अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो मुझे सब कहते होते थे आप लोग कि प्लीज़ हमें बताएं कि हम घर को बजट किस तरह मैनेज करें, पैसे किस तरह सेव करें। अच्छा, मियाँ की नज़र में ना एक अच्छी बीवी वही होती है जो उसको सेविंग करके दिखाती है। और यकीन माने मैं पहले इतना नहीं करती होती थी, लेकिन टाइम के साथ साथ जब बच्चे हुए फिर थोड़ा सा रिलाइज हुआ नहीं सेविंग करनी है। और आज जो है मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करूंगी कि सेविंग किस तरह करनी है आपने, और कम से कम पैसों में थोड़ी बहुत सेविंग बहुत ज़रूरी होती है। इस चीज़ को मैंने भी समझा सोचा तो मुझे लगा आप लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए। मंथ के एंड पे हम लोगों को कितनी प्रॉब्लम हो रही होती है, हमें समझ नहीं आ रही होती कि क्या करें, कहाँ से पैसे लाएँ, कहाँ से ना लाएँ, क्या करें क्या ना करें। उधार मांग रहे होते हैं किसी से 2,000, 3,000, 4,000, तो ये वाला काम हो रहा होता है। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि यार सेविंग करना बड़ा ज़रूरी है, सेविंग करना और पैसे अर्न करना ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी है। तो चले आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आप मेरी एक छोटी सी वीडियो देख लें। एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने जा रही हूँ मैं आपको जहाँ पे आप लोग ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं घर बैठे, और गेम भी खेलें और पैसे भी कमाएं। और इसके लिए ये है कि आपको उसका लिंक मिल जाएगा, मेरे यूट्यूब की बायो में है और मेरे नीचे कमेंट्स में भी मैंने लिंक को पिन कर दिया है। और इसके अलावा इजिली आप पैसों को विथड्रॉ करा सकते हैं जैस कैश, और इजी पैसा में आप लोग पैसों को इजिली विथड्रॉ करा सकते हैं, गेम खेलें और पैसे को कमाएं। तो हम लोग बात करते हैं कि आप लोगों ने सेविंग कैसे करनी है। जैसे कि अब आपके हस्बैंड की मंथली जो सैलरी है, कम से कम अगर हम मिडिल क्लास की तरफ आएँ तो आपके हस्बैंड की जो है वो 60,000 मंथली सैलरी है, ठीक है, 60,000 सॉरी। आपने उसमें सेविंग कैसे कर ली है? सबसे पहले तो आपने अपनी लाइफ में कुछ रूल्स बना लेने हैं अपनी डेली रूटीन में। जब आपकी आपकी पेमेंट वो आती है, सैलरी आती है घर में, तो आपने कोशिश करनी है उसमें से कम, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2,000-3,000 साइड पे रख दें, ठीक है। उसके बाद बाकी जो अखराजात हैं वो करना स्टार्ट करें, लाइक बच्चों के स्कूलों की फीसेस और जो होता है बाकी काम, जैसे घर का राशन वगैरह डलवाना। अच्छा, सबसे एक और बात होगी कि हमारे अक्सर जगहों पे ये होता है कि जी जो घर का राशन होता है वो सौदा सर्फ होता है, वो डेली का डेली आता है। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है, अब जो मेरे ससुर हैं वो डेली का डेली सामान ला देते हैं मुझे, यानी घी का पैकेट ला दिया, थोड़ी सी चीनी ला दी, एक साबुन ला दिया, यानी ऐसे डेली का डेली। लेकिन मेरे हस्बैंड जो है वो मंथली सौदा ले आते हैं 10,000-15,000 का 20,000 का, यानी वो एक ही दफ़ा में ग्रॉसरी करके ले आते हैं। मुझे लगता है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। वो एक आप यूटिलिटी स्टोर पर जाएँ, आप एक ही दफ़ा में ले आएँ। कोशिश करें कि मंथली जो है अपना पहले से आपने चिट बना के रखनी है, मेरे किचन की ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और मैंने ये चीज़ें लेके आनी है, ठीक है। तो आप जो है वो चीज़ें इकट्ठी ला के रख लें, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ठीक है। जैसे अब हमारा घी का एक पैकेट है वो कितने दिन चल जाता है, कोशिश आपने करनी है कि कम से कम आपने अपना घी का पैकेट जो है ना वो 5 दिन 4 दिन 5 दिन आपने या 6 दिन एक वीक लाजमी चलाना है। एक वीक तो बहुत मुश्किल चलता है, 6 दिन बहुत मुश्किल चलता है, मतलब जाहिर है फैमिली हो, बच्चे हो, खाना वगैरह बनना होता है, फिर बच्चों के अलावा इसके अलावा बच्चों की कोई एक्स्ट्रा चीज़ भी बन जाती है, कभी कोई मेहमान भी आ जाता है। तो आपने एक अंदाज़ा लगा लेना है कि मैंने मंथ के 4 या 5 पैकेट घी के लेके रख लेने, ठीक है। और जो बहुत ज़्यादा कंजूसी से यूज़ करती हैं उनके 3 लग जाएंगे हद। तो आपने पहले एक मंथली बजट ज़रूर बना लेना है अपना। बजट मतलब ये कि आपने चीज़ें ज़रूर लिख लेनी है जो आपको चाहिए होंगी, कि मेरे किचन में ये सामान ख़त्म हो गया। मैं आपको एक यही मशवरा दूंगी कि अपने किचन में ना एक छोटी सी डायरी रखें, जैसे आपको लगे ना किचन में चीज़ ख़त्म हो गई है फ़ौरन उस डायरी पर लिख डालें आज ये चीज़ ख़त्म हो गई है। मंथ के एंड में फिर उस डायरी को देखें, फिर आपको खुद भी पता चल जाएगा आपके किचन का कितना खर्चा है। आज क्या तारीख है, उस तारीख है, आज 15 तारीख है, 15 तारीख है हवाले से आप वो डायरी रख लें, जो भी तारीख है आज, ठीक है। आप नेक्स्ट 15 को देखिएगा पूरा एक महीने बाद उस डायरी में कितना खर्चा हुआ, आपको सारा जो है पता चल जाएगा, आपके सामने आ जाएगा कि यार मेरे किचन का मंथली खर्चा इतना है। जो भी आए, बोतल आए, ब्रेड आए, अंडे आए, हर चीज़ आपने उस डायरी में लिख लेनी है। उसके बाद जी आप पैसे बचाने वाला काम,
सबसे पहले हम जो है ना, हम कहते हैं हमारे पास तो पैसे ही नहीं है और क्या करना है। डेली रूटीन में ना ज़्यादा नहीं, कम से कम 10 रुपये, 10 रुपये सदका लाजमी निकालें। आप देखिएगा कितनी जो है ना आपकी बरकत होती है। ज़्यादा ना सही, 10 रुपये, 10 रुपये आप निकाल के साइड पे रख लें। अपने किचन में एक डब्बा बना लें, ठीक है ना, अपने किचन में एक डब्बा बना लें, उस डब्बे के अंदर 10 रुपये डाल के उसे ढक के साइड पे रख दिया। अपने रूम में रख लें वो डब्बा, किचन में नहीं, रूम में रख लें, अपने रूम में बना लें। चलें आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं, आप किचन में नहीं रख सकते, आप रूम में रख लें। डेली के आपने 10 रुपये निकाल के रख लेने। अब यहाँ पे कुछ वो होती हैं खवातीन जो जी उनके हस्बैंड मंथली निकाल देते हैं सदका, 1,500 मंथली दे देते हैं, वो एक अलग चीज़ होती है। आपने अपने तौर पे, ठीक है ना, 10 रुपये निकाल देने हैं सदके, और महीने के एंड पे वो 10 रुपये कितने भी बने, चाहे जितनी आपकी हैसियत है 10 निकाल दें, 50 निकाल दें, जितना आप कर सकते हैं, आपने वो सारे किसी को दे देने हैं, किसी गरीब को दे देने हैं, ठीक है। तो और इसके अलावा ये क्या कहते हैं, सदका बहुत ज़रूरी है देना, ठीक है। इसके अलावा डेली रूटीन में आपने ये करना है कि मैंने ना हर, अब जैसे हम बहुत, मैं यहाँ पे मिडिल क्लास लेडीज़ की बात करूँगी, कोई हाई क्लास की नहीं, आपकी जितनी डेली, आपके हस्बैंड आपको डेली के कुछ ऐसे होते हैं ना कि मतलब रोज़ की रोज़ आपको पैसे देते हैं, कुछ हस्बैंड होते हैं ना कि आपको डेली के डेली खर्चा दे रहे हैं, 300 दे दिया, 400 दे दिया, कि इसमें आपने घर का आज खाना पकाने का मंगा लेना है, ये कर लेना है, वो कर लें। आपने उसमें से कोशिश करनी है कि पैसे बचा लें, 50 रुपये बचा लें, 20 रुपये, 30 रुपये, जितने भी बचे उसको साइड पे रख दीजिए, उसको साइड पे निकालते जाएं वो पैसे। तो इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है, नाना जी करते हुए भी हमारे पास कुछ ना कुछ जुड़ जाता है, कुछ ना कुछ ज़रूर जोड़े रखें अपने पास, 2,000, 3,000, 4,000, ये बहुत छोटी अमाउंट है जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। मैं बिल्कुल हाई लेवल पे जाके बात नहीं कर रही, क्योंकि मैंने देखा है हमारे मोस्टली मिडिल क्लास लेडीज़ ऐसी होती हैं कि जो कम से कम ही जोड़ सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसी खवातीन हैं जिनको घर का खर्चा नहीं मिलता। अब मैं उनकी अगर बात करूँ, उन खवातीन के हवाले से, तो माशाल्लाह से आप कॉमेंट कर रही हैं, आपको मोबाइल चलाना आता है, आप यूट्यूब चलाना जानती हैं, आप कोई कोर्स कर सकती हैं यूट्यूब से, जो यूट्यूब से देख के, ठीक है। इसके अलावा आप कोई स्किल सीख सकती हैं, यूट्यूब पे सब कुछ मौजूद है, आप वहाँ से स्किल सीख सकती हैं। थोड़ी सी समझ, जब आप यूट्यूब देख रही हैं, यूट्यूब पे ड्रामे देख रही हैं, आपके पास नेट पैकेज है, आपके पास फेसबुक है, आप उससे फ़ायदा उठा सकती हैं। तो मैं कहती हूँ हमारी सोसाइटी में खवातीन बस हमारे हस्बैंड खर्चा नहीं देते, ये नहीं देते, वो नहीं देते, ये चीज़ें बड़ी हैं। और एक चीज़ और है कि कुछ हस्बैंड जो है ना वो अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, मतलब सारी ख्वाहिशें पूरी कर रहे होते हैं अपनी बीवी की, सारा कुछ पूरा कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी इतनी वो नहीं होती कि वो अपनी बीवी को जो है वो ख़र्चा दें। अब मैं आपको बताऊँ तो मेरी जब शादी हुई थी तो मुझे बड़ा ज़ोर दिया गया है, जी अपने हस्बैंड से मंथली खर्चा लिया करो, खर्चा लिया करो। यहाँ पर थोड़ी सी कहते, मेरी अपनी अकलमंदी थी कि मैंने इतना ज़ोर नहीं दिया इस बात पर, मैंने इतना जोर नहीं दिया, मैंने उस चीज़ को अंडरस्टैंड किया। कह देती थी हाँ, कभी कह दे, मुझे इस चीज़ को थोड़ा सा रिलाइज़ हुआ कि यार मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो रही है ना, मतलब मुझे सब कुछ मिल रहा है, अच्छे से अच्छा मिल रहा है सब कुछ, मैं क्यों लूँ, मतलब ठीक है जितने वो खुशी से दे रहे हैं ना, ओके ठीक है, मैंने अंडरस्टैंड किया। आहिस्ता आहिस्ता इनकम बढ़ती गई तो खुद ब खुद जो है उन्हें रिलाइज़ हुआ, उन्होंने देना स्टार्ट कर दिया। मैं कहती हूँ कहीं बहुत सी जगहों पे ना हम खवातीन को भी, हाउस वाइफ को भी, एक बीवी को भी समझने की ज़रूरत होती है। ये जो बीवी पे होता है ना मियाँ से ख़र्चा लेने वाला बोझ, ये पीछे से बड़े जो होती हैं ना आपकी माएँ बहनें, ये आपको बड़ा वो करती हैं कि जी मियाँ से ख़र्चा लिया करो। नहीं देखो, अगर आपके मियाँ की इतनी नहीं है, आप उस बंदे को कह रही हो, उसकी उसकी तनख्वाह 30,000 है, आप उसे कह रही हो 5,000 तो मुझे खर्चा दो महीने, कहाँ का ये इंसाफ है। हाँ, अब एक बंदे की तनख्वाह 60,000 है और आपको वो 5,000 दे, तो जाहिर है आप उसी के फ़ायदे के लिए है ना। अब हमारे यहाँ पे आजकल खवातीन का ऑनलाइन का बड़ा ट्रेंड चल गया है, शॉपिंग का, जो चीज़ पसंद आ गई ऑर्डर कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो मैं आपको ये कहूँगी कि अपने अखराजात पर कंट्रोल करें ऑनलाइन, ठीक है अगर आपको ऑनलाइन कोई चीज़ पसंद आ जाती है, मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें पसंद आती है, लेकिन मैं कंट्रोल करती हूँ कि नहीं नहीं फिर सही कोई नहीं। तो अपने कपड़ों पे हम जो दूसरों को देखम देखी करना स्टार्ट कर देते हैं कि अच्छा उसने बना लिया तो मैं भी बना लूँ, ये भी बना लूँ, कोशिश करें अपने हर सीज़न में जो है। अब जैसे मेरी आदत है कि अब जैसे सर्दियाँ स्टार्ट हो जाएंगी
तो मैंने अब अगस्त सितंबर में ना दुकान पे जाके जो है या कोई 3-4 सूट जो है अपने सर्दियों में, क्योंकि ऑफ सीज़न में मैं आपको बताऊं जो आपको गर्मी सर्दियों में आप गर्मियों के कपड़े खरीदेंगे पड़े होते हैं दुकानों पे, लेकिन जब गर्मी स्टार्ट होने वाली हो ना हल्की हो मतलब बिल्कुल अभी स्टार्टिंग हो मार्च हो, तो आप जब जाके जो है गर्मियों के कपड़े खरीद सकते हैं वो निकाल देंगे, पुराने खरीद लें कुछ नहीं होता। अब हम नहीं जी लेटेस्ट डिज़ाइन आएगा ना वही सूट जो 1500 को दे रहे हैं ना, जब वो आपको देंगे ना 3000 का तब हम खरीदेंगे। तो आप कोशिश किया करें जो अपने कपड़े हैं वो ऑफ सीज़न में बना लिया करें, ठीक है, आप जो आप सीज़न चल रहा है। कभी भी किसी को दूसरे को देखम देखी जो है वो ना किया करें कि यार इसने ये किया तो मैंने भी ये चीज़ ख़रीदनी है। अपनी ख्वाहिशात पे थोड़ा सा कंट्रोल करें, आप ख़ुद पे अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल करेंगी मामलात खुद ब खुद हल होते जाएंगे। पैसे को बचाना भी ज़रूरी है, कहा जाता है ना कि मतलब कंजूसी भी इतनी नहीं होनी चाहिए, लेकिन पैसा जरूर आज के दौर में बचाना भी ज़रूरी है। एमरजेंसी पड़ जाती है इंसान को, कभी भी पड़ सकती है, तो अपने पास कम से कम मैं कहती हूँ एक औरत को ना अपने पास कम से कम हर मंथ 5000 रखना चाहिए, कि यानी अगर उसके हस्बैंड या उसको कोई ज़रूरत हो तो उसके पास पैसे हों, उसको इधर किससे नहीं करना पड़े। हाँ सम टाइम होता है कि हम लोग मांग लेते हैं, लेकिन ये होता है कि अगली को टाइम पे बंदा अगर वापस कर दे तो ताकि अगली दफ़ा भी इंसान होता है मांगने के, चलो कोई नहीं मुश्किल वक्त में मुश्किल आ जाती है, बट ये नहीं मैं कह रही, लेकिन ये होता है कि आप अपने जो है थोड़ा सा अपने कंट्रोल करें, अपने खर्चों को कंट्रोल करें, अपना एक बजट बनाएं, एक डायरी बनाएं जिसमें आप अपने डेली के खर्चे लिखें कि आज मेरा इतना खर्चा हो गया। आप अपने डेली का 100 रुपया रख लें कि मैंने ये 100 रुपया आज खर्च करना है, आपके बच्चे हैं ना, मैंने बच्चों पे ये 100 रुपया खर्च करना है, 100 से ऊपर नहीं जाना, आप कंट्रोल करना है, नहीं 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 मैंने नहीं करना, मैंने नहीं ऊपर जाना। तो मैं कहती हूँ हस्बैंड को ना दिखाएं करके, नहीं हम भी कुछ कर सकते हैं, तो दूसरों को अगर आपने देखना ही है ना जिन लेडीज़ को तो उन्हें देखें जो ऑनलाइन कमा रही हैं, जो घर बैठे जो मेहनत कर रही हैं, जो अपनी स्किल सीख के जिसको इस्तेमाल करके पैसा कमा रही हैं अपने हस्बैंड का सहारा, उन लोगों को देखें ना। ये आप क्या बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखती हैं और इतना वो लोगों को दिमाग ख़राब कर रहे होते हैं ना वो, तो अगर देखना ही है तो ऐसी औरतों को देखें जो घर में बैठ के कमा रही हैं, अच्छा कमा रही हैं, अपने हस्बैंड का हाथ बिठा रही हैं, ऐसे लोगों को देखें, ठीक है। इसके अलावा अपना जो है एक मंथली किचन, ठीक है, सबसे ज़्यादा हमारा खर्चा किचन में होता है ना, तो मैं यही आपको कहूँगी किचन के लिए एक डायरी बनाएं, उसमें सारा कुछ लिखें, ठीक। सदका निकालें अपने लिए, सदका बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसे हम समझते हैं कि इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन सदका बहुत ज़रूरी होता है, डेली रूटीन में निकालेंगे तो बहुत अच्छी बात है, मैं कहती हूँ बहुत बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा कि अपनी डेली रूटीन के 20-30 रुपये निकाल के अलग से लाजमी रख लें कि ये मेरा जो है एक आज की सेविंग है, डेली रूटीन की एक रूटीन में आके आज मैंने एक सेविंग करनी है, मैंने पैसे बचाने, 10 रुपये ही सही कहें, आज मैंने पैसे बचाने हैं, अपना एक वो कर लेंगी ना दिल में इरादा कि आज की रूटीन आज के दिन मैंने पैसे बचाने हैं, आज मैं 20 रुपये बचाऊँगी, अब वो आपने देखना है मैनेज करना है किस तरह बचाने हैं आपने। तो अपनी डेली रूटीन में ये चीज़ को देखें। दूसरा अपनी ख्वाहिशात पे बहुत कंट्रोल करना बहुत सबसे बड़ी बात ये है, अपने लोगों को देखना है तो वही बात आ गई, मैं आपको बार बार कह रही हूँ उन लोगों को औरतों को देखें जो कमा रही हैं। आप पढ़ी लिखी हैं तो आप ऑनलाइन घर बैठे आजकल तो सारा कुछ होता है, मुझे समझ नहीं आती आप वो दौर चले गए जब आप धक्के जगह जगह खाती थी सीमियाँ देती थी स्कूलों में, वो टाइम चला गया, अब आप घर में बैठे ही सारा कुछ कर सकती हैं, ऑनलाइन आप ट्यूशन पढ़ा सकती हैं, आप पढ़ी लिखी है ना अपना फेसबुक पे पेज बनाएं, ऑनलाइन ट्यूशन सर्च करें फेसबुक पे, ग्रुप्स ज्वाइन करें, उसमें बताएं कि मैं ये हूँ और मुझे मैं बच्चों को ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ा सकती हूँ, ठीक है। आप जो है अपनी ऑनलाइन शॉपिंग को कंट्रोल करें, ऑनलाइन आपने ये कहना कि आप मैंने मंथ में ना आज या मैंने 2 महीने में एक चीज़ ऑनलाइन ख़रीदनी है, ऑनलाइन शॉपिंग ना करें, ये बहुत मैं कहती हूँ ऑनलाइन शॉपिंग ना इंतहाई गंदा काम होता है, मुझे इंतहाई जहर दिखता है ऑनलाइन शॉपिंग करना, कभी हुआ मैं मंगवा लेती हूँ जैसे ऑनलाइन कोई ब्रांड का सूट मैं मंगवा लिया, लेकिन ये दराज वाली चीज़ों को ना तो मैं तो इंतहाई यकीन माने मैं इतना मेरा दिमाग हुआ है ना इन चीज़ों जो दराज की शॉपिंग है, इससे तो फजूल शॉपिंग होती है दराज की, पता नहीं लड़कियाँ क्यों कर रही होती हैं दराज की वो चीज़ें मंगवा रही होती हैं और ऐसे ऐसे रिव्यू दे रही होती हैं, यकीन माने मैं आपको सच बताऊं वो
बिल्कुल सच नहीं होते। इतना कोई घटिया चीज़ आती है दराज की, ऑनलाइन आप मंगवाएं, घटिया तरी मेकअप, मैंने बहुत ऑनलाइन मेकअप मंगवाया है दराज का, इतना कोई घटिया मेकअप होता है ना, ये जो डील्स होती हैं, जितने में आप डील मंगवा रही होती है ना, उतने में आप एक अच्छी ब्रांड की एक अच्छी सी, बंदा बीबी क्रीम ले लेता है, बंदा लिपस्टिक ले लेता है, जो आपकी चंद साल चलती तो है ना, ये जो आप मंगवाती हैं डील्स, ये तो आपकी चार दिन भी नहीं चलती, इनके पाउडर भूनने लग जाते हैं, इनके लिपस्टिक में से स्मेल आने लग जाती है। ऑनलाइन किचन की चीज़ें हम मंगवाते हैं देख देख के, लेकिन सब बेकार होता है, ये बेकार होती हैं, ये जो होते हैं ना ब्रश जो उसके ऊपर लगाते हैं हम करने के लिए, बस शो शाप बहुत है, मैं कहती हूँ ज़्यादा शो है। मैंने हर चीज़ लेके देखी है, यकीन माने चार दिन वो अच्छी भी नहीं लग रही होती, वो अच्छी लगती है जो बड़े हाई क्लास जिनके घर होते हैं ना, उन घरों में कुछ अच्छी भी लग रही होती है, मिडिल क्लास के घरों में इतना खास नहीं अच्छी लग रही होती, सच बताओ। शायद मेरी बात बहुत बुरी लगेगी, लेकिन अगर आप अपने घर को डेकोरेट ही करना चाह रही हैं तो ओरिजिनल प्लांट से कर लें, आपको 200-150 में प्लांट मिल जाता है, गमला मिल जाएगा छोटा सा, उनको ले आएँ, उनको रखें अपने घर में, जिससे आपकी माहौल भी पॉजिटिव होगा और घर भी अच्छा लगेगा। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हम कहते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, हमारा तो ये है कि कुछ नहीं होता, ये ले लेते हैं ये ले, और इतना हम नुकसान कर लेते हैं बैठे बैठे पैसों का। आज के दौर में आपको पता है जीने के लिए पैसा ज़रूरी है, हमारी जेब में जब तक 5,000-6,000 नहीं होगा हम डॉक्टर के नहीं जा सकते, हम 1,000 रुपया लेके डॉक्टर के जा सकते हैं। मैं कह रही हूँ आजकल तो बच्चों को जो चेक कर रहा है ना उसकी फ़ीस भी 2-2, 25-2500 रुपया होती है, 2-2000 होते हैं। अल्ट्रासाउंड एक औरत है अगर वो लेडी डॉक्टर के पास जा रही है, कम से कम 1,000-1,200 में अल्ट्रासाउंड हो रहा होता है, दवाइयाँ अलग, उनके चेकअप की फ़ीस अलग, डॉक्टर के पास जाने के लिए मतलब हम कहते हैं पैसा ज़रूरी है, सांस लेने के लिए भी पैसा ज़रूरी है आजकल के दौर में। तो कोशिश करें अपने आप को कंट्रोल करें, अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करें, और ख़ुद जो है बचाने की कोशिश करें डेली रूटीन में, ठीक है। आप अपने हस्बैंड को मज़ीद स्ट्रेस देने से अच्छा है आप उनका सहारा बने, उसको उस इंसान को मज़ीद स्ट्रेस क्यों दे रही है जब उसके बच्चे हैं, उसने घर को भी देखना है, माँ की भी सुननी है, बहन की भी सुननी है, आपकी भी सुननी है, ठीक है ना। तो अपना ये है। दूसरा, अगर आपके हस्बैंड आपके साथ बहुत अच्छे हैं, आपके साथ बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत आपका ख्याल रख रहे हैं, तो मैं आपको यही कहूँगी कि कहीं ना कहीं आपको भी थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना चाहिए उनकी मदर और बहन के साथ। या अगर आपके घर में बैठे बैठे हर ख्वाहिश पूरी होती है तो यू आर लकी। बहुत सी ऐसी खवातीन होती हैं जो मैं कहती हूँ बेचारी, जिनकी नहीं पूरी होती, जिनके कपड़े भी उनके पेरेंट्स बना रहे होते हैं, तो आप उनमें से अगर हैं कि आपके हस्बैंड आपका कपड़े बना रहे हैं, आपकी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं, आपको खाने को अच्छा दे रहे हैं, तो यू आर लकी, शुक्र अदा करें कि आपको मतलब ऐसे हस्बैंड मिले। नहीं तो अब हैं कि थोड़ा सा आपको भी कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, थोड़ा सा आपको भी अपने जो है उनके पेरेंट्स को या उनके घर को समझना चाहिए। तो हमारी सोसाइटी में औरतें तो बहुत कम ही समझती हैं, इस पर भी हम डिटेल से फिर बात करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे कि अपने बजट के बारे में, पैसे सेविंग के बारे में, तो ये तरीका आप लाजमी अपना के देखें। अपने किचन के लिए एक डायरी ज़रूर बनाएं, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी, वो डायरी आपको काफ़ी हेल्प करेगी, ये कि आपके आपको पहले ही महीने, एक महीने तक आपको पता चल जाएगा आपके किचन का कितना बजट है, उस हवाले से फिर जब आपकी सैलरी आएगी तो आप उतना पैसा किचन के लिए निकाल के अलग रख लें कि मेरे किचन में इतना होता है, उससे 2,000-1,500 ऊपर रख लें निकाल के, अभी कोई गेस्ट आ जाता है कुछ तो इस तरह, ठीक है। और इसके अलावा डेली रूटीन में कोशिश करें अलग से अलग रखने की, पैसे थोड़े बहुत 200, मैं आपको ये नहीं कह रही कोई 200-300-500-600 रखो, थोड़े से स्टार्ट लें भाई, 10 रुपए से स्टार्ट ले लें। सदका लाजमी दें, सदका बहुत ज़रूरी है, सदके से मैं कहती हूँ बरकत आती है, बुरी बलाएँ टल जाती हैं, मैं कह रही हूँ बरकत भी होती है, तो सदका लाजमी दें। बाकी ये कि ये था जी आज का एक मेरा छोटा सा व्लॉग जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आई होप सो कि यू लाइक इट, देन वीडियो को शेयर करें, लाइक लाजमी करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जल्दी से 10K करवा दें। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, और आप लोगों दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और आप लोगों के साथ मैं नाइट रूटीन भी शेयर करूँगी, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपनी नाइट रूटीन शेयर करूँ तो लाजमी मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ अपनी नाइट रूटीन भी शेयर करने वाली हूँ। और बाकी ये है कि ओके जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।